कोटद्वार स्थित राजपूत धर्मशाला में आयोजित नेशनल व्हील चेयर फेंसिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता में देश भर से दिव्यांग खिलाड़ियों द्वारा तलवारबाजी में अपने जौहर दिखाए गए। आपको बता दें कि 3 दिवसीय इस चैंपियनशिप में पूरे देश से खिलाड़ियों ने अपनी भागीदारी निभाई। इस मौके पर करनाल की मेयर रेणुबाला गुप्ता ने पहुंचकर विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि यह खिलाड़ी दिव्यांग होते हुए भी अपना हौसला कम नहीं होने दे रहे, जो बेहद ही सराहनीय है। वहीं उन्होंने खिलाड़ियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर व्हीलचेयर फेंसिंग एसोसिएशन की ओर से मनोज राणा व अरविंद मान के अलावा अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। बताते चले कि करनाल में यह चैंपियनशिप 3 दिन चली, जिसमें विभिन्न राज्यों के खिलाड़ियों ने अपने जौहर दिखाए। यहां हम आपको बता दें कि करनाल में इस तरह की चैंपियनशिप कम देखने को मिलती है, परंतु राष्ट्रीय स्तर की इस चैंपियनशिप के आयोजकों द्वारा एक बेहतरीन प्रयास किया गया, जिसमें दिव्यांग खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला। आज यहाँ पर 13th व्हील चेयर फेंसिंग चैंपियनशिप होने जा रही है और इस चैंपियनशिप में पूरे देश भर से 200 प्रतिभागियों ने भाग लिया है, जिसमें महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं। और मुझे खुशी हुई इस बात को देख के कि एक ऐसा गेम जो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन और बहुत ज़्यादा मेहनत का गेम है, इसमें हमारे जो व्हील चेयर के सभी यहाँ पर प्रतिभागी बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हुए एक अच्छा माहौल में ये फेंसिंग की प्रतियोगिता हो रही है, जिसमें सभी को आज सम्मानित करके ऐसा लगा कि वाकई भगवान ने कहीं ना कहीं कोई न्याय किया है, इनको इस तरह का कोई गुण देकर निखारा है। मैं सभी प्रतिभागी जो हमारे देश भर से आई हैं, हमारी हरियाणा की बेटियां भी हैं, हमारे हरियाणा से भी हैं, जो इनको बधाई देती हूं कि आप आगे आकर इस तरह की चैंपियनशिप में और ज़्यादा अच्छा निखरे। एशियन चैंपियनशिप होने जा रही हैं तो उसमें भी बच्चे पार्टिसिपेट करें, ताकि आगे आकर हमारे देश का नाम रोशन हो सके। मैंने पहली बार इस तरह की प्रतियोगिता को देखा तो एक अजीब सा सुकून और अजीब सी खुशी महसूस हुई, जो कि यहाँ पर ऑर्गेनाइज़र ने इन बच्चों के चेहरों पर दिखाई। मुझे खुशी है इस प्रतियोगिता को अटेंड करके कि बच्चे इतना अच्छा ढंग से परफॉर्म कर रहे हैं और हमारे करनाल में ये प्रतियोगिता होने जा रही है। बिल्कुल, कई बार इंसान ये सोचता है कि मैं क्या कर सकता हूँ और मैं क्या कर पाऊँगा, इस दुविधा में रहता है। और भगवान की एक नेमत है और हम मानते भी हैं कि भगवान किसी से एक गुण यदि लेता है तो उसे एक गुण फालतू देता है, उसकी सिक्स सेंस को और उसकी इतना मजबूत कर देता है कि वो मुख्य धारा के साथ जुड़कर, बल्कि मुख्य धारा से भी ऊपर उठकर अपने आप को प्रस्तुत कर पाता है। और आज हमारे ये व्हील चेयर फेंसिंग के सभी प्रतिभागी इस बात का उदाहरण है कि आपने देश में नाम रोशन किया, देश में विदेशों में नाम रोशन किया। और इस तरह की सोच, मैं ये कहूँगी कि आम आदमी को, जिसको भगवान ने सब तरह की नेमत दी है, उसे भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए हर अच्छे काम में प्रयास करना चाहिए जिसमें वो कर सकता है और जिसमें वो अच्छे ढंग से कर्म करते हुए आगे बढ़ सकता है। अभी कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के दौर से हम गुजर रहे हैं और लोगों के बीच में एक डर, एक भाव जो था वो कोरोना के प्रति, वो आज फिर जिंदा होता नज़र आ रहा है। मैं सभी से ये निवेदन करना चाहूँगी कि आप हर तरह की जो सरकारी गाइडलाइन है उनको पालन करते हुए आप हर काम को, जहाँ सरकार की हिदायतें होती हैं उन्हें मानते हुए हम हर काम को सजगता के साथ करें, ताकि इस वैश्विक महामारी से हम मात दे सकें। सबसे पहले तो मैं राजपूत सभा करनाल की ओर से जितने भी ये बच्चे आए हैं, प्रतिभागी बच्चे हैं, वह हमारे जो कोचिज हैं इनके, इन सभी का करनाल की पावन धरा पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और इनको बधाई देता हूँ, बच्चों को जिन्होंने मेडल जीते हैं। आज भी ये पिछले 3 दिन से प्रोग्राम चल रहा है, 26, 27 और 28, आज हम समापन की ओर जा रहे हैं। कल भी कुछ बच्चों ने गोल्ड मेडल, कांस्य पदक, ब्रॉन्ज लिए थे और आज भी
और आज तो हरियाणा की एक बेटी पलवल की बेटी है जिसने इकट्ठे आज दो गोल्ड मेडल लिए हैं। और मैं सभी बच्चों से निवेदन भी करता हूं और आगे बढ़ें, जो इस तरह के बच्चे हैं जो अपने घरों में बैठे हैं वो सोचते हैं कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इनसे शिक्षा लें और आगे बढ़ें। ये 200 खिलाड़ी आए हुए हैं, ये पूरे भारत से आए हुए हैं। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक